there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. Assalamualaikum, कैसे आप सब? Welcome back to my channel. मैं हूँ सुबोही और आप देख रहे हैं सुबोही कुकिंग एंड व्लॉग्स. आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूँगी, मटन के शीख कबाब. ये लखनवी स्टाइल शीख कबाब है और इसकी रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स दोबारा से लिख दूंगी. सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीमा धोकर रख लिया था और उसका पानी अच्छे से ड्रेन आउट होने तक उसको छन्नी में रख लिया था. ये आधा किलो खीमा है. अब इसका पानी अच्छे से मैं स्क्वीज आउट करूँगी और उसको एक फूड प्रोसेसर में मैं डालूँगी. अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने नॉर्मल जो ग्राइंडर जार होता है उसमें भी डाल सकते हैं. तो यहाँ सारा खीमा मैं शामिल करूँगी और साथ ही एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स भी डालती जाऊँगी. खीमा शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ मैंने 2 बंच लिए थे हरा धनिए के. खूब सारा हरा धनिया डालेंगे तभी तो इसमें खूबसूरत सा ग्रीन कलर आएगा. उसके साथ 5 से 6 हरी मिर्च मैंने ले ली. आप अपने हिसाब से स्पाइस लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च को. तो यहाँ मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया, 4 से 5 मैंने हरी मिर्च तोड़कर डाल दी और साथ ही मैंने थोड़े से करी लीव्स इसमें ऐड किए, जो करी पत्ता होता है ना वो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस मुझे करी पत्ते का टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया. वैसे तो कबाब में करी पत्ता नहीं डालते लेकिन मैंने बस अपनी पर्सनल चॉइस से ये डाला है. उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और अराउंड 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है और उसके बाद मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर. अगर आप चाहें तो सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही दफ़ा में डालकर उसको ब्लेंड कर सकते हैं खीमे के साथ, लेकिन मुझे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स डालकर धीरे धीरे ब्लेंड करना, स्टेप बाय स्टेप ब्लेंड करना ही पसंद है. तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये मेरा स्टाइल है. तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें डालकर एक दफ़ा इसको एक विज, आई जस्ट गेव अ विज इन द ग्राइंडर और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक 1.5 इंच का अदरक ले लिया है और इसको कट करके इसमें शामिल करूँगी. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इट इज़ जस्ट टू गिव दैट एक्स्ट्रा किक टू द कबाब. आई एडेड द जिंजर, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहें तो नहीं ऐड करें, ठीक है. और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल कर ली और उसके बाद मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ब्लेंड कर लूँगी ताकि प्याज इसमें से अच्छे से चॉप हो जाए और अच्छे से इंकॉर्पोरेट हो जाए. जिसके पास ग्राइंडर जार है वो प्याज को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि फूड प्रोसेसर में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं पेश आई. तो यहाँ पर आप चाहें तो एक अंडा ऐड कर लें, कच्चा अंडा, और क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग अंडा खाते हैं कुछ नहीं खाते, मतलब बच्चे नहीं खाते अंडा अगर मैं शामिल करूँ तो, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस जो है ब्रेड के शामिल कर लिए और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें असली घी शामिल किया. अगर आपके पास जो मटन का फैट होता है ना वो है तो वो डाल दीजिए, कोई भी किस्म का फैट इसमें शामिल होना चाहिए, या तो घी या तो मटन का फैट. तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से ब्लेंड कर ली और मुझे टोटल जो है ना 4 स्लाइस लगे ब्रेड के. और आप ना सैंडविच ब्रेड लीजिए, मिल्क ब्रेड ना लें क्योंकि उससे मीठा टेस्ट आने लगता है कबाब में. तो यहाँ पर मेरे पास कबाब चीनी है जो बिल्कुल लॉन्ग के शेप में होती है. कबाब चीनी लेंगे हम और ज़ीरा लेंगे, दोनों मैंने 2-2 टीस्पून ले लिए थे, 2 टीस्पून ईच, ठीक है. तो यहाँ पर मैं उसको ब्लेंड करके इसमें शामिल करूँगी. ये टोटल 2 टीस्पून के आसपास है ब्लेंड होने के बाद. उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, तो चिली फ्लेक्स देख समझ कर डालें. अगर आपके पास जैसे अब ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च शामिल की, काली मिर्च शामिल की, तो अगर आपके पास ज़्यादा तेज़ नहीं खाते तो आप चिली फ्लेक्स जो है स्किप कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये केवड़ा एसेंस, ये बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डालना ये ज़रूर डालें, लाजमी डालें. इसी से ही जो कबाब का
एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग किक होता है कबाब में, वो टेस्ट आएगा जो बाज़ार में जैसे मिलते हैं ना उसी तरह। तो टोटल यहाँ पर वन टीस्पून के आसपास मैंने डाल दिया है ये केवड़ा एसेंस, और इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं नींबू शामिल करूँगी, अराउंड लाइक 1 to 1.5 नींबू, डिपेंड करता है कि आपके नींबू का साइज़ कैसा है। अगर बड़ा साइज़ का नींबू है तो आप एक डालें, अगर छोटा है तो 1.5 नींबू के आसपास आपको लगेगा। तो मैंने यहाँ पर नींबू का जो जूस है वो भी इसमें शामिल कर लिया, और दोबारा से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो सारी इंग्रेडिएंट्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप चेक कर लेना। बस इंग्रेडिएंट्स शामिल करना है और मिक्स करते जाना है और ग्राइंडर में जो है ब्लेंड करते जाना है। यहाँ पर मैंने कोयला जलने के लिए रख दिया है, और जैसे ही कोयला जलने लगा तो तब मैंने इसमें एक बोल रखा स्टील का, और उसमें ये कोयला डाल दिया और घी या तेल डाल दें ऊपर से, और इसको फौरन लिड लगा दें, और उसके बाद उसको कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया, कोयला जो है फ्लेम उसका बुझ गया और ठंडा हो गया, तो मैंने कोयला निकाल कर दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि कोयले का जो कोयले की खुशबू है उसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बोल में साफ़ पानी, पीने का जो पानी होता है वो शामिल किया, और उसमें फिर मैं हाथ डुबाती गई, और इस तरह से मैंने उसको एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप दे दिया जो शीक कबाब का होता है। और यहाँ पर मैंने जो है चॉपस्टिक्स ले लिए थे, अगर आप चाहें तो एक पेंसिल, साफ़ पेंसिल या पेन भी ले सकते हैं, या कोई अच्छा सा मोटा सा स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको पहले शेप दे दिया, और बीच से मैंने ये स्टिक इसके अंदर डाल दी। अगर आपके पास स्क्यूअर्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से शेप दे दिया, ताकि ये कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, और आहिस्ता से मैंने धीरे से ये जो है चॉपस्टिक्स इसमें से निकाल दिए। और जैसे जैसे मैं बनाती गई, जैसे जैसे 5-6 बनाए, तो मैंने फ्रीज़र में इसको रख दिया, और भी बहुत सारे मैंने इस तरह से बनाए, एक शेप के बनाए, एक बड़ा एक छोटा ना बनाए आप। और उसके बाद उसको तकरीबन 1 घंटा मैंने फ्रीज़र में रखा, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से इन्फ्यूज़ भी हो जाए और ये सेट भी हो जाए बिल्कुल कबाब। और उसको फिर हमने जो है ना एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, लो फ्लेम ना रखें, लो फ्लेम पर रखेंगे ना तो कबाब टूटने लगेंगे। और फ्रीज़र से निकाल के एक 5 मिनट मैंने बाहर रख दिया था, उसके बाद मैंने उसको शैलो फ्राई किया मीडियम फ्लेम पर, और बिल्कुल धीरे धीरे हम जो है ना इसको पलटाएंगे, और कबाब को ओवर क्राउड ना करें पैन में, गैप रखें कबाब के बीच में, ताकि ये टूटे ना, एक दूसरे को चिपके ना। तो इसी तरह से हम इसको हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। तो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। सारी चीज़ें सिर्फ ब्लेंड करना है और कबाब बनाकर आपने फ्रीज़ कर देना है। रमज़ान भी आने वाले हैं, तो इसी तरह कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें, और रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद सबको फ्राई करके ज़रूर खिलाएं। डिनर में ये बहुत ज़बरदस्त लगता है चावल और दाल के साथ। अगर आप चाहें तो गरम गरम पराठे के साथ रायते की चटनी बनाकर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कबाब फ्राई कर दिए, और ये हम अब डिनर में खाएंगे। और इसके साथ मैंने जो है हरी मिर्च की चटनी बनाई थी, और गरम गरम पराठे बनाए थे, और सब ने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त है, 10/10 है, बहुत ही जूसी और सकुलेंट बने थे, बहुत टेंडर बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें सबको पसंद आए तो मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। रमज़ान में तो इट इज़ अ मस्ट हैव इन योर फ्रीजर्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको सेहत के साथ रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।